हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 22, जिसमें हम कोडिंग एंड डीकोडिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में एंड यूपीपीसीएस में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरी कोडिंग एंड डीकोडिंग से रिलेटेड प्रीवियस 2 से 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, बिकॉज मैंने अपनी इन वीडियोस में आपके लिए कोडिंग एंड डीकोडिंग के जो टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस कोडिंग के टाइप में किस तरीके से हम रूल को अप्लाई करते हैं, मैंने वो सारी बातें अपनी उन प्रीवियस वीडियो में आपके लिए डाली हैं। तो प्लीज़ जाके लेक्चर नंबर 19, 20 एंड 21 ये तीनों ज़रूर देखें, उसी के बाद ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो जिससे कि आपको अपने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, इफ़ ELTM इज कोडेड एज 50, उसने बोला है कि अगर ELTM जो है उसको कोड किया जा रहा है 50, तो बताओ YZNP क्या होगा। पहली बात तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है 4 अल्फ़ाबेट और यहाँ पे नंबर हैं 2, इट मीन्स यहाँ पे अल्फ़ाबेट वाइज तो नहीं है, मतलब कि जो अल्फ़ाबेट है उसका क्या नंबर है वो लिख दिया, एल जो उस नंबर पे आता है ABCD में वो लिख दिया, ऐसा नहीं है। बिकॉज जो हमारे पास ये नंबर है, ये कोड है, ये 2 डिजिट नंबर है। तो दूसरी चीज़ जो हम इसमें सोच सकते हैं वो ये सोच सकते हैं कि ये जिस जिस पोजिशन पे ABCD में आते हैं, अगर उनकी पोजिशंस को ऐड कर दिया जाए तो क्या 50 आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। ई जो है वो ABCD में 5th नंबर पे लाई करता है, ठीक है। फिर जो एल जो है वो ABCD में 12 नंबर पे लाई करता है, एंड टी जो है वो 20 पे लाई करता है, एंड जो एम है वो आपका 13 पे लाई करता है। तो चलिए हम इनको ऐड करके देख लेते हैं, 13, 20, 12 एंड 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 50। इट मीन्स कि हमने जो सोचा वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अब आपको YZNP ABCD में जिस जिस नंबर पे आते हैं वो आपको लिखना है। तो Y आपको पता है 25 पे आता है, Z आपको पता है 26 पे आता है, और जो N है वो 14 पे आता है, और जो P है वो आपका 16 पे आता है। अगर आपको इनकी पोजीशंस याद रह जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद रहती हैं तो आप रफ में फटाफट इनका बना सकते हैं। तो चलिए हम इनका सम कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ सम करेंगे, 25 प्लस 26 प्लस 14 प्लस 16, इनको जब हम ऐड करते हैं तो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 6 21, यहाँ हमने लिख लिया 21, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 एंड 6 प्लस 2 81। इट मीन्स कि YZNP का उस कोड लैंग्वेज में जो आंसर होगा वो 81 होगा, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है, इफ मशीन इज कोडेड एज 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11, देन डेंजर विल बी कोडेड एज। तो पहले तो आपको जो दिया है उससे ही पता लगाओ, पहले तो बोला है मशीन को कोड किया जा रहा है, तो पहले हम मशीन का लिख लेते हैं। मशीन है और उसको कोड किया जा रहा है 19, 7, 9, 14, ये आई जो है 15, एन जो है 20 एंड ई जो है 11। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एम 19 पे नहीं आता और ए 7 पे नहीं आता, ए 1 पे आता है, सी जो है 3 पे आता है, 9 पे नहीं आता। बट जितना मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ, इन लोगों ने क्या किया है ना, इन लोगों ने ए को 7 माना है और फिर उसके बाद 7 से काउंटिंग शुरू करी है ABCD की। मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे ABCD करके होता है ना Z तक, तो हम ए को 1 मानते हैं, इन लोगों ने ए को 7 बोला है और फिर उसके बाद से काउंटिंग शुरू करी है, 7, 8, 9, 10 डैश डैश डैश, यानी कि जो भी ये ए है उसमें उसको 7 मान लो आप, ठीक है। या तो ये कह लो कि ए जो है उसके, नहीं,
आप 7 ही मानो, बिकॉज जो मैं बोलूंगी वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, काउंटिंग जो है 7 से शुरू करनी है। तो A7 है, B के बाद C9 ही होगा, और वैसे अगर आप H भी चेक करेंगे तो वो आपको 14 पे मिलेगा। तो आपको इससे पता चल गया कि आपको A से शुरू करते चलना है और A को 7 मानना है, फिर उससे आप बाकी की प्लेस पता लगा लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, अब देखिए पूछा है आपको किसके लिए, आपको पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पूछा है डेंजर के लिए। जैसे कि आपने यहाँ देख ही लिया होगा डी है, और डी को बोलते तो हम 4 है, पर 4 ना मान के हमें जो है उसको 10 करना है। आपको दिख रहा होगा अगर हम ए को 7 मान रहे हैं तो फिर उस कोड के हिसाब से डी जो है वो 10 है, और आपको ऑप्शन में नजर आ रहा होगा ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय सी के, जिसका पहला जो है वो 10 हो। चलो एक बार को श्योर होने के लिए अगला अल्फाबेट भी देख लेते हैं। ए को 7 मानना है तो भाई ए हो गया 7, एन को इन्होंने 20 माना है तो हो गया 20, जी के लिए इन्होंने नहीं लिखा है बट अगर आप आगे जी को काउंट करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, और अगर डी 10 है 11 12 13, यानी कि जी 13, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन आपने शुरू में सोचा है वो इसी को लगभग मैच करता जा रहा है, इट मीन्स ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। इसको इसके लिए आपको ये करने की नीड ही नहीं थी, आपको बस इसी से पता चल जाता। बाई चांस यहाँ पे कोई और ऐसा ऑप्शन होता जिसका पहला नंबर 10 होता इसके अलावा, सी के अलावा, तो फिर आपको फर्दर और करने की कोशिश कर पड़ती, बट यहाँ पे हाँ यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने ए को 7 माना वो तो ठीक है, ये चीज भी कर सकते हैं कि जो अल्फाबेट है उसकी पोजिशन जो है उसमें 6 ऐड कर दो। जैसे कि एम है, अगर आप ए बी सी डी में देखेंगे तो एम 13 पे आता है तो उसमें 6 ऐड कर दो 19, ए जो है वो 1 पे आता है उसमें 6 ऐड कर दो 7, सी जो है वो 3 पे आता है उसमें 6 ऐड कर दो 9, एच जो है आपका वो 8 पे आता है उसमें 6 ऐड कर दो तो 14। इसी तरीके से इसमें देखो डी किस पे आता है, 4 पे आता है, 4 में 6 ऐड कर दो तो 10, ए 1 पे आता है, 1 में 6 ऐड कर दो तो 7। तो मतलब इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, या तो आप ए को 7 मान के आगे की काउंटिंग करो, वरना जिस अल्फाबेट की जो भी पोजिशन है उस पोजिशन में +6 करना है सब में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के जो इसमें जो लग रहे हैं रूल्स वो आपको इसी तरीके से कुछ समझने होंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये डिफरेंट है थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन से, और इसके दो टाइप हैं, और ये वाले क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं मेरे को, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इफ अ क्लॉक इज कॉल्ड टेलीविजन, ये फर्स्ट क्वेश्चन अलग है और सेकंड अलग है, तो पहले हम यहाँ वाले फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, क्लॉक को कहते हैं, अगर क्लॉक को टेलीविजन कहते हैं, मैं टीवी शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ठीक है, टीवी को रेडियो कहते हैं, टीवी को रेडियो कहते हैं, फिर बोल रहा है रेडियो इज कॉल्ड ओवन, रेडियो को क्या कहेंगे, ओवन कहते हैं, ठीक है, और ओवन इज कॉल्ड ग्राइंडर, ओवन को क्या कहना है, ग्राइंडर, और फिर बोला है एंड ग्राइंडर इज कॉल्ड आयरन, और जो ग्राइंडर है उसको बोला जाएगा आयरन। तो आपसे बताया पूछा गया है देन इन व्हाट वी विल वन बेक, तो फिर हम किस में बेक करते हैं, तो आपको पता है जब भी हमें कोई चीज बेक करनी होती है जैसे कि केक या बिस्किट्स वगैरह, तो हम अवन में बेक करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हम अवन में बेक करते हैं, क्लॉक में नहीं बेक करते हैं, टीवी में नहीं बेक कर सकते हैं, रेडियो में नहीं करते हैं, ग्राइंडर में और आयरन में नहीं करते हैं। ओवन एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें आप बेकिंग कर सकते हैं, तो आपको पता है ओवन करते ओवन है जो बेकिंग के लिए यूज होता है, बट क्या कह रहा है ये, ओवन को ग्राइंडर बोलो, तो अगर ओवन बेकिंग के लिए यूज होता है तो ओवन को क्या बोलना है, ग्राइंडर, इट मीन्स कि बेकिंग के लिए क्या यूज होता है, ग्राइंडर, इट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझे आप, इसमें यही तो होता है कि ये किसी वर्ड को कुछ और नाम देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि बताओ ये चीज किससे होगी, तो उन गिवन ऑप्शन मतलब उन गिवन नेम में से किसी एक चीज से वो चीज होगी जिस कार्य को जिस काम को वो करने के लिए आपको कह रहे हैं, उस वर्ड को या उस जो भी इक्विपमेंट होगा उसका जो नाम वो आपको बोलने के लिए बोल रहे हैं वो फिर उसका आंसर होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको सॉल्यूशन दिया था, उसमें काफी सारे वर्ड थे और बोला गया था इसको ये बोलते हैं उसको ये बोलते हैं, तो उसमें एक था उसमें बोला था वुड को स्ट्रॉ बोलेंगे,
तो फिर एंड में पूछा गया था, तो बताइए फिर फर्नीचर किससे बना? तो आपको पता है फर्नीचर वुड से बनता है, और वुड को वो स्ट्रॉ बोलने को कह रहे हैं, इट मींस फर्नीचर स्ट्रॉ से बना, तो उसमें करेक्ट आंसर स्ट्रॉ था। उसी तरीके से बेकिंग जो है वो ओवन में होती है, माइक्रोवेव ओवन में होती है, और ओवन को वो ग्राइंडर बोलने के लिए कह रहे हैं, इट मींस ग्राइंडर में बेकिंग हुई है, इट मींस ग्राइंडर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ही इसमें तरीका अपनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन कोड, अब यहाँ पे भी एक कोड है और यहाँ पे भी काफी सारी कोडिंग दी गई है, और आपको इस वाली कोडिंग को, ये जो क्वेश्चन नंबर आप टू कर रहे हैं, इसको डेसिफरिंग मैसेज करते हैं। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उनको इजिली देख के ही पता लग गया होगा कि इसमें क्या करना है, तो चलिए करते हैं। बोला है पिट ना सॉम, जो भी आपको देते हैं ना उसको रफ में कहीं भी गंदी से हैंडराइटिंग में जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। तो पिटना सॉम को वो बोल क्या मतलब बता रहे हैं कि इन तीनों जो भी ये वर्ड्स हैं इनका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में है ब्रिंग मी वाटर, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस इन्होंने दिया हुआ है ना जो टोड, अब इस क्या प्रोनंसिएशन है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट जो समझ में आ रहा है मैं बोल रही हूँ। आई डोंट नो विच लैंग्वेज इज दिस। वॉटर इज लाइफ, इसको बोलते हैं वॉटर इज लाइफ। फिर है टब और पिट, जिसका मतलब इन्होंने बोला है गिव मी टॉय। और फिर लास्ट है जो लिन कॉट, जिसका मतलब इन्होंने बोला है लाइफ एंड डेथ। ठीक है, तो अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज, इट मींस इज का क्या मतलब है? तो पहले तो जो सारे मतलब हैं आपको वो पता लगा लेने हैं। इन्होंने बोला है पिट ना सॉम ब्रिंग मी वाटर है, और दूसरा सेंटेंस है ना जो टैब, जिसका मतलब है वाटर इज लाइफ। तो पहले तो इस कोड में देखिए ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों कोड में है, तो ये है ना एंड ना। और अगर हम उसकी इंग्लिश लैंग्वेज देखें तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में है, वाटर वाटर। इट मीन्स ना का मतलब है वाटर, क्योंकि कोड जो है वो दोनों लाइनों में है ना, और ये जो उसका वर्ड वाटर जो है वो भी दोनों लाइनों में है, इट मीन्स ना का मतलब है वाटर। फिर एक और देख लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, और अब ना का तो मतलब आपको पता चल गया, अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में ऐसा कौन सा कोडिंग लैंग्वेज में है जो दोनों में है, वो है पिट। पर अगर हम इनकी उस लैंग्वेज में देखें कोड सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप देखोगे कि मी इज द वर्ड जो दोनों में है, इट मीन्स कि पिट का मतलब है मी। ठीक है, फिर हम इसके लिए देखते हैं क्या बोलते हैं, सेकंड और फोर्थ लेते हैं, इसमें भी जो है इसमें भी जो है, जो और जो ये, और अगर इसमें हम सेकंड और फोर्थ देखें तो लाइफ का मतलब सॉरी लाइफ इसमें भी है और लाइफ इसमें भी है, इट मीन्स जो का मतलब है लाइफ। तो आपको ये तो कॉमन पता चल गया कॉमन कॉमन से, अब बचा यहाँ पे एक वर्ड सोम, यहाँ पे एक वर्ड ब्रिंग, तो इट मींस सोम का मतलब ब्रिंग है, बिकॉज पिट का मतलब तो मी है, ना का मतलब वाटर है, तो बचा थर्ड ये और इसमें बचा थर्ड ये। ऐसे ही टॉड का मतलब इज है, और ऐसे ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक आ गया ये TUB टब, और ये आ गया कॉर्ड, जो कि किसी और लैंग्वेज से आपका मैच नहीं कर रहा, तो आपको इनमें जोर देने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज फर्क तब पड़ता जब इनमें से कुछ पूछा जाता। आपको इज का पूछा गया है और इज का आपको पता चल गया है कि इज का मतलब है टॉड, TOD, यानी कि यहाँ पे भी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इज जो था इन चारों में से इसी में था, ठीक है, तो भाई उसका जो कोडेड लैंग्वेज होगा वो ये इसी में होगा, और आपको पता है ना जो है उसका मतलब वाटर है, जो जो है उसका मतलब लाइफ है, तो बचा इधर इज और इधर टॉड, तो इज जो है उसका मतलब है टॉड, यानी कि टॉड का मतलब है इज। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन कंफ्यूजिंग नहीं लग रहे होंगे, अगर आपको लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं आपको ये फिर से समझा दूंगी, बट प्लीज कोई डाउट मत रखना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं ये यूपी पीएससी में एंड पीसीएस, यूपी की पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं,
तो पहला क्वेश्चन जो है, सॉरी, पहले का आंसर देखते हैं। पहले तो देखते हैं क्या है। इफ प्रिंट इज कोडेड एज RUMSZ, प्रिंट को कोड करना है, क्या कोड करना है? RUMSZ। पहले तो आप चेक करियो करिए कि इनके अल्फाबेट्स में क्या तुक है। P और R के बीच का गैप चेक करते हैं पहले। PQR, यानी कि P में दो ऐड कर दूं तो R आता है, ठीक है? फिर अब R और U का देखते हैं। PQR STU, R में तीन ऐड कर दूं तो U आ रहा है। R के बाद ST, एक मिनट, PQR STU, हाँ, थर्ड प्लेस पे यू आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि +4 आएगा, तो आई में फोर प्लेसेस बाद एम आएगा, देखते हैं। GHIJKLM, तो 4 + 4 वही हुआ जो हमने सोचा, +4। फिर एन चेक करते हैं, LMNOPQRS, +5, और अगला ऑब्वियसली +6 है, ठीक है? तो इट मीन्स आपको पता चल गया कि पहला जो है +2 है, दूसरा +3 है, ऐसे करके आपको करना है। तो अब आ जाइए आप ड्रिंक के लिए। ड्रिंक ड्रिंक में अगर हम +2 कर ड्रिंक के डी में अगर हम +2 करते हैं तो ABCDEF, PQR STU, क्योंकि इसमें +3 करना है, अगले में +4 करना है, तो IJKLM, फोर्थ पे M आता है। अब फिफ्थ देखना है, N के बाद फिफ्थ, NOPQRS, फिफ्थ पे आता है S। K में +6 करना है, ठीक है? KLMNOPQ, सिक्स्थ पे Q आता है। इट मीन्स FUMSQ। क्या आपको ऑप्शन में FUMSQ नजर आ रहा है? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आएगा, काफी इजी क्वेश्चन था ये। इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें बोला है एबसेंट इज ZYHVMG। क्या बोला है? एबसेंट जो है उसको कोड करके लिख रहे हैं तो आ रहा है ZYHVMG। तो बताइए प्रेजेंट को क्या लिखेंगे? पहले तो एब्सेंट का कोड कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ है A, यहाँ है Z। अगर आपने मेरी वीडियो की लेक्चर नंबर 19 देखा होगा, तो मैंने उसकी वीडियो की शुरुआत में ही आपके को एक टेबल शो करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था अपोजिट अल्फाबेट। ए का अपोजिट अल्फाबेट होता है जेड, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है? अपोजिट का मतलब है ए बिल्कुल शुरुआत है तो जेड बिल्कुल एंड है, बी उसका नेक्स्ट है तो जेड उससे वाई उससे एक पहले वाला है, ठीक है? जैसे कि सी बी का अगला है तो वाई से पहले वाला जो है एक्स, वो सी का अपोजिट है। तो मैंने अपोजिट की एक टेबल शेयर करी थी, तो प्लीज उस टेबल को रेफर करिएगा। तो यहाँ पे ए का अपोजिट है बी, बी का अपोजिट है वाई, ऐसे करते करते सारे ही अल्फाबेट्स का अपोजिट है। 1 से लेके 13 तक अल्फाबेट है, फिर यहाँ पे 14 से लेके 26 तक, तो ये इनके अपोजिट होते हैं, ठीक है? मैंने ऐसे करके टेबल शेयर करी थी। तो चलिए प्रेजेंट का देख लेते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो एक बार उस प्रेजेंट को आप देखेंगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा। मैं यहाँ पे आपको पूरी टेबल बना के नहीं दिखा सकती हूँ, बट मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देती हूँ। अब प्रेजेंट का पहला लेटर है पी, पी का अपोजिट होता है के, ठीक है? कैसे होता है, जाके आप उस अपोजिट वाली टेबल को देखिए, उस टेबल में बिल्कुल लिखा है कि कौन सा अल्फाबेट का अपोजिट कौन सा है, ठीक है? पी का अपोजिट होता है के, आर का अपोजिट होता है आई, ठीक है? ई का अपोजिट होता है वी, एस का अपोजिट होता है एच, ई का अपोजिट होता है अगेन वी, एन का अपोजिट होता है एम, एंड टी का अपोजिट होता है जी। तो इट मीन्स KIVHVMG। देखते हैं कहाँ है ऐसा, KIVHVMG, यानी कि
अगेन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये अपोजिट के लिए भी आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कौन से को किसका अपोजिट माना जाता है। ठीक है, तो प्लीज वो 19 लेक्चर नंबर 19 वाली वीडियो को जाके देखिए, उसके शुरुआत में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है एक पर्टिकुलर कोड में त्रिवेंद्रम इज रिटन एज VTKXGPFTWO, तो इर्नाकुलम किस में लिखा जाएगा? तो पहले तो जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं हमेशा की तरह, त्रि वेन ड्रम को लिखने को कह रहा है VTKXGPFTWO। सबसे पहली चीज हमको, चीज नहीं चीज सॉरी, सबको पहली सबसे पहली चीज जो है आपको ये चेक करनी है कि इन अल्फाबेट के बीच का गैप क्या है। ठीक है, तो टी के बाद वी कब आता है? RSTUV, यानी कि दो पोजीशन, दूसरी पोजीशन पे एक छोड़ के अगली, यानी कि +2। ठीक है, आर के बाद टी कब आता है? PQRST, अगेन +2 पे ही आता है। ठीक है, आई के बाद के कब आता है? HIJK, अगेन +2, +2 +2 हो रहा है। आप देखेंगे सारे प्लस हो गए, एक बार के लिए सीधा लास्ट वाले को देखते हैं। UVW +2, MNO +2, यानी कि इन सारे अल्फाबेट में +2 हो रहा है। ठीक है, हम बार बार +2 +2 करेंगे तो वो हमारा टाइम वेस्ट है। आपको बस एक बार रीचेक करने के लिए, ये जानने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि शुरू के तीन अल्फाबेट +2, अगले तीन अल्फाबेट +3, ऐसा कुछ ना हो, तो सीधा लास्ट वाले भी एक बार चेक कर लो। तो आपने देखा कि लास्ट वाले भी +2 हो रहे हैं, तो आपसे जो पूछा है सीधा अब आप उसका करें। इर्नाकुलम पूछा है, तो ई में +2 करने पे क्या आता है? ABCDEFG, पहला है जी, है ना, एफ के बाद जी, तो इट मींस ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, ये है ही नहीं, इन दोनों में से कोई होगा और वो अगले अल्फाबेट पे ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये अगले ही इसके डिफरेंट है। आर के एक छोड़ के अगला क्या आता है? RST आता है। इट मीन्स आपको पता चल गया बी करेक्ट आंसर है। NOPABC, ठीक है, एंड के लिए चाहिए KLM, UVW, LMN, ABC। तो आपने देखा कि GTPCMWN हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहा है बी, जो कि हम पहले भी बोल चुके हैं बी ही इसका करेक्ट है। तो इसके साथ आपको पता चल गया कि बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको मेरे दिए गए सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और बीच में मेरी जो भी मिस्टेक हो गई बोलने के लिए, तो प्लीज उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है या कुछ भी कंफ्यूजिंग लगता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू।